असल में हमारा प्रॉब्लम ये है जो आप पहले बात कर रहे थे, मैं सुन रहा था कि यार ये हमारी इकोनॉमी क्यों नहीं ग्रो करती। ये मैं हमारा जो जी मैं आपको ये बताऊं, वजह ये है कि जो हमारा ये पॉलिटिकल जो ये होता है डिस्पेंसेशन होती है वो स्ट्रक्चरल चीजें ठीक नहीं करने देते, वो नहीं करने देते क्योंकि अपना वेस्टेड इंटरेस्ट बीच में आ जाता है, आड़े आ जाता है, और जब वो नहीं करते तो फिर अटकल पंचू करते हैं। अटकल पंचू से कभी इकोनॉमी ठीक नहीं होती, और कोई फाइनेंस मिनिस्टर जो होता है वो कोई नहीं खड़ा हो सकता जब इनके साथ ये होता है। आई एम वन ऑफ दोज पीपल हु कैन स्टैंड अप, और इसलिए मैंने एक साल सवा साल के बीच में जो ग्रोथ वापस लेके आया हूँ, और ये मतलब सारा वो इसलिए कि मैंने भी जो इस तरह 60s के बीच में इकोनॉमिक प्लानिंग करते थे तो मैंने भी प्लान बनवाए थे और डिटेल बनवाए, शॉर्ट मीडियम लॉन्ग टर्म प्लान बना, उस पर मैं अमल कर रहा था, तो पूरे सिस्टमेटिकली मैं काम कर रहा था। मैं बैंकर जरूर हूँ लेकिन मुझे समझ आए कि इकोनॉमी को ठीक कैसे करना है। तो अब और दूसरी चीज है, मैं पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं बर्दाश्त करता था। पहली दफा जब हमारे जो मैं पीपल्स पार्टी के वक्त में भी यही था, और फिर मैं छोड़ के चला गया, अभी भी यही था कि मैं खान साहब कहता था कि इकोनॉमी में आप इंटरफेयर नहीं करेंगे। तो पॉइंट सिर्फ यह है कि जब हम और सारे स्ट्रक्चरल चेंजेस कर रहे थे, टैक्सेशन में हम कर रहे थे, मैं इसको एक्सपोर्ट्स को मैं ऊपर लेके जा रहा था जिसमें आईटी एक्सपोर्ट्स भी ऊपर लेके जा रहा था, एग्रीकल्चर को हम पूरा एंड टू एंड ठीक करने की कोशिश करते, ये हमारा प्रॉब्लम्स है।